but it will never last down. Here by the ocean, fire is burning, flares in the wind. Good morning, everyone. Today is Sunday, and obviously, I just reached to Pune last night, and the journey was very tiring, so just wake up after that. And आज की जो ride है वो बहुत ही infotainment वाली होने वाली है, मतलब कि बहुत ज़्यादा information और बहुत सारी अच्छे views के साथ होने वाली है. So let's just start the ride. अभी तो जस्ट यू नो लाइक उठकर रेडी हुए है. आई विल हैव अ सिप ऑफ कॉफ़ी एंड देन विल स्टार्ट द राइड टुवर्ड्स नासिक. Over the mountains, I see the moon and so it begins. Looking to the rising sun, this is where we belong. We belong. A new day. That's what I've been here for all along. I have no doubt, I know you really want to stay. So good morning, everyone, and today is the Super Sunday. I know you are much more excited about the IPL matches today, but उससे भी exciting चीज़ है कि जो हम घूमने जाने वाले हैं आज after the monsoon. अभी जो winter का time जो है वो शुरू हुआ है और पूरा sky जो है वो हमें blue sky मिलने वाला है. हम जहाँ पे जाने वाले हैं वो पूरा एक घाट केव्स और एक लेक है, उसका कॉम्बिनेशन है और वो आपको आगे जाके पता चल ही जाएगा. और एक एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि अहमदाबाद में सी प्लेन का जो सर्विस है वो शुरू हो गया है, तो हमने तो एक्चुअली में मिस कर दिया. लेकिन आप लोगों को अगर सी प्लेन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना है तो आप आराम से बुकिंग करवा के अहमदाबाद के रिवर फ्रंट से, मतलब कि एक रिवर से आप जा सकते हो और उसका मजा जो है वो ले सकते हो. प्राइजेज आर एक्सपेक्टेडली अबाउट 1500 रुपीज़. सो ये न्यूज़ था जो मैंने देखा था, तो आई थॉट के आप लोगों को बता दूँ. बाकी हम अभी पहुँचने वाले हैं मुच्छर, जो एक जगह है जो पुणे के नज़दीक आएगी, और वहाँ से फिर हम थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करके फिर हम आगे के सेक्शंस पे जाएंगे. बहुत ज़्यादा टाइम के बाद अभी फाइनली हमें मिला है मेरा टॉप फेवरेट मिसल, और ये जो है वो तरी दी है उन लोगों ने. ये बहुत स्पाइसी होती है पाँव के साथ, और कचुम्बर टाइप है. अपने गुजराती में कचुम्बर ही बोलते हैं, सलाद बोल सकते हो. मिर्ची एंड सेब जो आप इसके अंदर डाल के खा सकते हो. तो सबसे पहले इसको फिनिश करेंगे एंड फिर बाकी की राइड शुरू करेंगे. चुके हैं इंद्रायणी होटल पे, जो मंचर से नारायण गांव के बीच में है, और हमारे पास अभी है मसाला डोसा. सो थोड़ा बहुत खाना खा के फिर आगे की राइड करेंगे. अभी दोपहर के बजे है 11:10, सो मतलब कि 11:15 बजे है, और मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा ठंडा. सो
जो भी शॉर्ट्स आएंगे और जो घूमने का है उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। आप कभी भी पुणे नासिक रोड पे आए तो ये जो इंद्रप्रस्थ होटल है वहाँ पे कभी मत आना, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या है कि वाहियात खाना मिलेगा। डोसा मैंने खाया वो वाहियात था, और अभी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलो चलो, गर्मी अभी आ रही है। कैसा था होटल तपन? छोड़ो, मैं मतलब तुम्हारे खाने के देख मत आना। सो फाइनली अभी नानेघाट पहुंच गए हैं, और अभी यहां से हम आगे की तरफ जाएंगे। हियर इज द वे, ये पूरा पार्किंग सेक्शन, और यहां से जाने का, यहां से हम जाने की शुरुआत करेंगे। सो अभी हम जा रहे नानेघाट की ओर, आप देख सकते हो पूरा पूरा खाई यहाँ पे है, और आगे बहुत ही अच्छी तरीके से जा सकते हैं। ये वाला डिफिकल्ट नहीं होगा इतना ट्रैक, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। शुरू शुरू में सब ऐसा ही बोलते हैं, वो बात सही है, लेकिन पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से बारिश में यहाँ पे सब जगह पे पानी रहता है। लेकिन अभी हम आए हैं विंटर में, तो आप पूरा देख सकते हो। अभी और आगे है, आगे से व्यू अपने को अच्छा मिलेगा। मिस्टर तपन, उत्साही तो हम हैं। तो ये पूरा आप जो घाट का सेक्शन देख रहे हो वो नानेघाट का है, और नीचे पूरा डेंस फॉरेस्ट। Lights go out, you're in my mind. I close my eyes, so it's just you and I. And I tell myself, you'll be back again. Stars are aligned, we will dance in the meadow on our favorite place when spring is coming. सारी चढ़ाई करने के बाद हम आ गए हैं एक हिल टॉप के ऊपर, जो नानेघाट का ट्रैकिंग पॉइंट है। और ये हिल टॉप से पूरा जो आपको वेस्टर्न घाट का जो पूरा सीन दिखता है वो बहुत ही अमेजिंग है। खास करके लाइक पहाड़ है, और पहाड़ के आगे
एक अच्छी सी मूर्ति जैसा बना हुआ है। नानेगढ़ की एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है। पहले के ज़माने के अंदर जब राजा राज किया करते थे, तो उस टाइम पे कल्याण और जुन्नर ये दोनों के बीच में दोनों पहाड़ों के बीच में जाने का कोई रास्ता नहीं था, और वो एक रास्ता जो यहाँ से गुजरता था वहाँ पे ट्रेड बूथ बनाया गया था, जहाँ से क्या कि जो पैसे थे वो लिए जाते थे आने जाने के लिए। अभी का जैसे अपने टोल बूथ होते, उसी तरीके का एक बूथ बना के रखा था। और एग्जिट वो सेक्शन जो है वो यहाँ पे नीचे रोड पे आपको दिखाई देता है, हम आपको उसके भी व्यूज दिखाएंगे। लेकिन एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है इसके पीछे, और अभी भी ये कल्याण और जुन्नर के बीच में एग्जिट आपको मिलेगा। आप मुंबई से भी आ सकते हो, पुणे से भी आ सकते हो यहाँ पे विजिट करने के लिए। आइडियल टाइम अगर आपको बताओ तो विंटर के अंदर, मॉर्निंग के अंदर आपको आइडियल टाइम है, या तो आप फिर मानसून के अंदर कभी भी आ सकते हो। यहाँ पे मानसून में ट्रैकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड हो जाता है, और बहुत सारे जगह से आपको 1,000 रुपीज़, जस्ट 1,000 रुपीज़ के अंदर आप पूरा नज़ारा जो है वो देख सकते हो। सो ये पूरा भी आपको मैं ड्रोन शॉट से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का पूरा नानेघाट का जो नज़ारा है वो दिखता है, और वहाँ की केव्स भी है। और यहाँ पे बहुत ही फेमस वाटरफॉल का जो सेक्शन है वो भी है। दिस हिल टॉप इज़ ऑन द हाइट ऑफ 2,834 एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। सो यहाँ से आपको अच्छा खासा पूरा नज़ारा आपको दिख जाएगा। तो यही था नारायण घाट का वीडियो। अभी आगे हम देखते हैं अगर कोई पॉइंट पे जा सकते, मालशेज जो वाला पॉइंट जो है जो ऑलरेडी हमने आपको वीडियो में दिखा दिया है, लेकिन अगर आपको वो भी देखना हो तो अगर हम ट्राई कर सकते, लेकिन इवनिंग का टाइम हो गया है और रात के पहले घर पहुंचना है। बाकी आप पूरा एटमोसफियर है वो देख सकते हो, और ये पूरा 360 वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। आपको 360 व्यू दिखा रहा हूँ ये पूरे के पूरे नारायण घाट का, और ये नानेघाट के सेक्शन का पूरा 360 वीडियो जो है वो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। Where are you now? I hope you're fine. But I won't lie. I still miss you so much. But I don't hold grudge. Save you a space for